हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मास कम्युनिकेशन। सो इस वीडियो में जो है हम क्रोनोलॉजी ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पढ़ने वाले हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कौन सा पहले आया था, कौन सा बाद में आया था और कौन सा लेटेस्ट है, क्योंकि इसकी क्रोनोलॉजी भी जो है एग्जाम्स में पूछी गई है। सबसे पहले आपका रिलायंस बिगफ्लिक्स आया था 2008 में, उसके बाद आपका डेक्स GTV आया था, ये फर्स्ट ओटीटी मोबाइल ऐप था। फिर आपका 2013 में डिट्टो TV आया था, जो बाद में आपका Z5 बना है 2018 के आसपास। फिर 2013 में ही सोनी लिव आया था। ये है आपका इंडियाज़ का फर्स्ट OTT सर्विस। अगर आपसे पूछी जाए कि पहली OTT सर्विस कौन सी थी, तो हमेशा सोनी लिव को क्लिक करना है। फिर उसके बाद 2015 में आपका हॉटस्टार आया था, जो बाद में डिज्नी के साथ जुड़ गया था। फिर 2015 में ही आपका नेटफ्लिक्स आया है। 2016 में आपका अमेज़ॉन प्राइम वीडियो आया है। 2016 में जियो सिनेमा, जियो TV। 2017 में आपका वूट आया है, जो अब जियो सिनेमा ने ही जो है ज्वाइन कर लिया। वूट के जितने भी आपके प्रोग्राम्स या वेब सीरीज़ हैं, वो सब जियो सिनेमा पे दिखाई देते हैं। फिर 2017 में ऑल्ट बालाजी आया है। फिर 2018 में Z5, जो डिट्टो TV था, वो बाद में चल के Z5 बन गया है। 2018 में MX प्लेयर आया है। 2019 में जो है, जो 2015 में हॉटस्टार आया था, वही डिज्नी ने बाय करके ये डिज्नी हॉटस्टार बन गया था। फिर 2019 में शिमारो आया और 2020 में लाइन्सगेट। वैसे तो बहुत सारे और भी हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने इसमें लिए हैं, और यही आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो ये जितनी भी क्रोनोलॉजी है, आप इसे अच्छे से याद कर लें कि कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में, क्योंकि एग्जाम्स में पूछी जाती है। थैंक यू सो मच।